Everybody get your fucking hands up. सो ही क्लासेस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। अच्छा तो गाइज आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इवेंट आ चुका है एंड इवेंट में क्या है कि आप लोग को यूज़ करना है सुपर माइनर एंड उसके बदले में आप लोग को देखने को मिलेगा बुक ऑफ फाइटिंग। बस आज हम लोग इस अटैक स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे एंड करेंगे इवेंट को बहुत ही ईजी वे में कम्प्लीट। ठीक है तो हम लोग आप लोग आर्मी देख सकते हैं एंड मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। एंड साथ ही में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोग को प्लान करना है इस अटैक स्ट्रैटेजी में और किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है सब कुछ पूरा डिटेल में बात करेंगे। एंड इससे पहले भी हमने एक क्वीन चार्ज हाइब्रिड के ऊपर वीडियो बना के रखा था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना। उस वाले वीडियो में हमने बहुत ही क्लियर वे में मतलब समझा के रखा है। तो गाइज आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड जितने ही बंदे चैनल पर न्यू है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अगर अच्छे लग रहे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए अब करते हैं बेसिस पे बूम बाम। तो ये आ चुका है हमारे सामने पहला बेस, टाउन हॉल 14 है एंड स्कैटर शॉट भी मैक्स है, इन्फर्नो भी मैक्स है और ईगल लॉटरी भी। तो क्या बोलते हैं गाइस इसमें अटैक किया जाए क्या? भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। तो आइए अब इसी में करते हैं अटैक ताकि आप लोगों को पता भी तो चले कि कितना पावरफुल है अटैक स्ट्रैटेजी। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉप करेंगे क्वीन को कुछ इस तरह से यहाँ पर एंड एक सबसे पहले जून ड्रॉप कर देते हैं एंड पीछे से आ जाएंगे हीलर्स एंड यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यहाँ पर वॉल ब्रेकर को ड्रॉप कर दिया हमने एंड क्वीन को हम लोग टारगेट करवाएंगे ईगल के साइड से कंपार्टमेंट में भेजने की। ओके तो टॉर्नेडो भी निकल चुका है, बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। एंड एक विजार्ड यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि क्वीन जो है सीधा टाउन हॉल के पास जाए। ओके एंड यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ओके रिजर स्टोरेज अब जैसे ही डाउन होगा क्वीन अब अंदर की ओर जाएगी। अरे भाई किधर जा रही भाई? एक काम करता हूँ यहाँ पर हम लोग बेबी ड्रैगन को ड्रॉप। ओके तो क्वीन अंदर जा रही है, यहाँ पर हम लोग एक रेज का इस्तेमाल कर देंगे कुछ इस तरह से एंड एक हमने लून भी ड्रॉप कर दिया, टेस्टिंग लून है बस ब्लैक एयरमैन डिटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर और एक वॉल ब्रेकर हमने ड्रॉप कर दिया है एंड बेबी ड्रैगन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग सीज बैरक्स को ड्रॉप कर देंगे एंड यहाँ पर किंग को भी ड्रॉप कर देंगे एंड उसके बाद ओके तो यहाँ पर और एक रेज कर देते हैं हम लोग क्वीन को एंड यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं ताकि सिंगल इन्फर्नो डाउन ना कर पाए हमारी क्वीन को। एंड यहाँ पर हमने आर्मी को ड्रॉप कर दिया है, ये आ चुका है हमारा पीछे से वार्डन और ये आरसीबी एंड यहाँ पर हम लोग और एक फ्रीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो है क्वीन को सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ दिया था। तो अब ठीक है एंड यहाँ पर अब सारे सारे हॉग राइडर जा रहे हैं एंड सबसे पहला हील स्पेल हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं एंड थोड़ा सा वेट करेंगे एंड अब कर देते हैं रेज। आई थिंक क्वीन के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं तो हम लोग आर्मी के ऊपर हम लोग रेज का इस्तेमाल करेंगे एंड ओके तो सीज बैरक से माइनर भी आ चुका है एंड यहाँ पर अब हम लोग टैप कर देते हैं वार्डन की एबिलिटी को। ओके तो बहुत ही परफेक्टली वार्डन की एबिलिटी टैप हो चुकी है एंड यहाँ पर किंग भी बहुत ही ओपी काम कर रहा है एंड अभी भी हमारे पास एक हील स्पेल बचा हुआ है और एक पॉइजन स्पेल भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया हील स्पेल को एंड अभी भी बहुत कुछ क्लीन अप ट्रूप्स बचे हुए हैं तो यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ एंड ये वॉल ब्रेकर भी हमने ड्रॉप कर दिया, ये गॉब्लिन और ये मिनियन। ओके तो सब कुछ हमने ड्रॉप कर दिया एंड इस पॉइजन को कर देते हैं स्वैग एंड यहाँ पर अभी भी हमारे पास हीरोज़ की एबिलिटी बची हुई है एंड बहुत ही इजी वे में गाइस टाउन हॉल 13 vs 14 हो चुका है। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। तो गाइज अब करते हैं और एक बेस पे अटैक एंड उसके बाद कर देंगे वीडियो का अंत क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो ये आ चुका है हमारे सामने और एक टाउन हॉल 13 मैक्स आउट बेस आ चुका है एंड अब हम लोग करेंगे इसमें प्लान। तो एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि जो है हम लोग अपना क्वीन को ड्रॉप करके अच्छा खासा वैल्यू निकाल सके। तो मुझे यहाँ पर ये क्वीन के साइड से बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है स्कैटर मिल जाएगा एंड टाउन हॉल भी मिल जाएगा एंड ये क्या है मल्टी टारगेट, तो तीनों मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्वीन को ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ पर एक वॉल ब्रेकर को हमने ड्रॉप किया एंड वॉल को ओपन कर दिया ताकि जो है क्वीन जो है सीधा टाउन हॉल पे टारगेट हो एंड यहाँ पर हमने एक रेज इस्तेमाल कर दिया एंड कुछ लून्स ड्रॉप किया ताकि जो है ब्लैक एयरमाइंस ट्रिगर हो जाए। ओके तो यहाँ पर हम लोग बेबी ड्रैगन को ड्रॉप कर देते हैं ताकि क्वीन जो है दूसरे डायरेक्शन में ना चली जाए। तो ओके तो यहाँ पर मल्टी टारगेट इन्फर्नो है तो फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड थोड़ा सा वेट करेंगे एंड क्वीन अब अंदर की ओर जा रही है टाउन हॉल के पास, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
ओके, तो कुछ रूनस और ड्रॉप कर देता हूँ ताकि जो ब्लैक एयरमाइंस होंगे तो ट्रिगर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक हमने यहाँ पर रेज कर दिया ताकि फटाक से जो है क्वीन जो है टारगेट कर दे टाउन हॉल को, और यहाँ पर टाउन हॉल ट्रिगर हो चुका है एंड क्वीन डाउन कर देगी आराम से। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से अब हाइब्रिड को स्टार्ट करेंगे। तो ओके, तो सीज बैरक्स को पहले, अरे भाई सीज बैरक्स तो वाना ही बोल गया। चलो स्टोन स्वेमर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमने किंग को ड्रॉप कर दिया एंड स्टोन स्वेमर को भी ड्रॉप कर दिया। एंड यहाँ से आपको को सारे के सारे आर्मी को कुछ इस तरह से ड्रॉप करने हैं। एंड ये वार्डन भी आ चुका है एंड ये हमारे हॉग राइडर्स एंड ये हमारी आरसी। ओके, तो सब कुछ ड्रॉप कर दिया हमने एंड क्वीन भी। ओके, तो क्वीन के ऊपर रेज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब एक हील स्पेल को ड्रॉप कर देते हैं एंड क्वीन भी अच्छा खासा वैल्यू निकाल चुकी है। एंड यहाँ पर अभी हम लोग वार्डन की एबिलिटी को टैप करेंगे। ओके, तो अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है, स्पेल्स भी बचे हुए बहुत सारे। तो हम लोग रेज का इस्तेमाल कर देते हैं हाइब्रिड के ऊपर यहाँ पर एंड ओके, तो आरसी भी चार्ज हो चुकी है एंड यहाँ पर हम लोग एक फ्रीज स्पेल का इस्तेमाल कर दिया ताकि जो है क्वीन जो है आरसी जो है डाउन कर पाए ओपोनेंट की किंग को। ओके, तो डाउन हो चुका है एंड अभी भी एक हील स्पेल है तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया है एंड एक फ्रीज स्पेल एंड एक पॉइजन बचा हुआ है एंड कुछ क्लीन अप ट्रूप्स भी है जो कि हम लोग अब यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। एंड अभी भी हीरोज़ के एबिलिटी बची हुई है एंड आई थिंक मुझे ज़रूरत की नहीं पड़ेगी इस स्पेल्स के भी। एंड हीरोज़ की एबिलिटी को भी हमने टैप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही पावरफुल अटैक स्ट्रैटेजी है। आप लोग भी इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना एंड इवेंट को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक गाइज़ जय हिंद।